सूचना प्रसारण सेक्रेटरी श्री सुनील अरोड़ा साहब, स्पेशल सेक्रेटरी श्री माथुर साहब, DGDAVP, यहाँ पर उपस्थित INB के सभी अधिकारीगण और मीडिया के साथी दोस्तों, सरकार की जो नीतियाँ बनती हैं, पॉलिसीज बनती हैं, जिन कामों का लाभ हर नागरिक उठा सकता है, वो अक्सर नागरिकों तक नहीं पहुंचती। और अगर हमें लगता है कि अखबार में चंद आर्टिकल से या रेडियो या टेलीविज़न पे चर्चाओं से गांव के अंदर या छोटे शहरों के अंदर जो नागरिक बसते हैं वहां तक पूरी डिटेल में ये योजनाएं पहुंच जाती हैं, तो ये गलतफहमी है। इनफैक्ट मैं यहाँ तक कहूँगा कि लगातार लोगों से मुलाकात करने के बाद ये महसूस होता है कि इन योजनाओं का सक्सेस शायद इसी कारण से नहीं होता कि ये योजनाएं उनको डिटेल में पता ही नहीं होती। और किसी भी योजना का अगर सक्सेस रेट बढ़ाना हो तो योजना चाहे बुरी हो या अच्छी, वो योजना अगर समझ में आ जाए तो उससे लाभ उठना शुरू हो जाता है। और फिर आगे जब एक बार नागरिक उसका लाभ उठाना शुरू करते हैं तो अपने आप जो फीडबैक आता है उससे वो योजनाएं बेहतर भी बनाई जा सकती हैं। देयर इज अ कॉन्टिन्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ फीडबैक कमिंग फ्रॉम द पीपल एंड दैट विल ओनली कम आफ्टर द पीपल स्टार्ट यूजिंग द वेरियस स्कीम्स। आजकल एक ऐसी प्रथा भी चली है कि बिना सरकार के आउटसोर्स करे हुए कुछ लोग सरकार का मुद्दा लोगों तक पहुंचाते हैं। सरकार का क्या मकसद है, क्या लक्ष्य है, वो सरकार खुद बताना चाहती है, लेकिन कुछ लोग ये दायित्व अपना ले लेते हैं कि हम बताएंगे सरकार का दायित्व, सरकार का लक्ष्य क्या है। मेरे ख्याल से इस कैलेंडर से जो पूरे 12 महीने के लिए अंदर जो हमने डेवलपमेंटल योजनाएं जो दर्शाई हैं, जिनके बारे में लिखा है, ये इस सरकार का लक्ष्य है। 11 लाख हमारी इसका जो सर्कुलेशन है, जहां पर ये कैलेंडर पहुंचता है, वो 11 लाख एड्रेसेस हैं, जिसमें पंचायत शामिल हैं, पार्षद शामिल हैं, हर सरकारी दफ्तर शामिल है। इन सभी दफ्तरों के अंदर जब ये कैलेंडर लगेगा, और कैलेंडर का मकसद होता है अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, तो कहीं ना कहीं हर रोज एक बार कैलेंडर पर नजर जाती ही है। तो एक मकसद यह भी है कि इस कैलेंडर को देखकर सरकार का हर अधिकारी हर रोज ये याद कर ले कि सरकार का लक्ष्य क्या है, जो डेवलपमेंटल जो हमारी पॉलिसीज हैं क्या हैं, हमारी जो फोकस एरियाज हैं वो कौन से हैं। और इस कैलेंडर के अंदर, क्योंकि आजकल के युवा ऑनलाइन काफ़ी रहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत रहते हैं, तो नीचे की तरफ हमने वो सभी वेबसाइट्स लिखी हुई हैं, पोर्टल्स लिखे हुए हैं, फेसबुक के एड्रेसेस लिखे हुए हैं, जहां वो युवा उसको देखकर डायरेक्ट ऑनलाइन कनेक्ट भी कर सकते हैं सरकार के साथ। और वे यदि अपना फीडबैक देना चाहें तो कैलेंडर के दाहिनी तरफ कोने में हमने MyGOV.in का भी पूरा पता दिया हुआ है, जहां पर अक्सर नागरिक अपना जो अपने आइडियाज शेयर करना चाहते हैं वो उस वेबसाइट पे शेयर करते हैं। एक ई वर्जन भी इस कैलेंडर का लॉन्च करा इसी कारण से, क्योंकि ज्यादातर लोग दफ्तर से बाहर रहते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो मोबाइल पर वो अपने आप को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और जो डिटेल चाहिए होता है वो एक ही एप्लीकेशन से उनको मिल सकता है। DAVP का काम इन सरकार की सभी पॉलिसीज को मीडिया के साथ मिलकर अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंचाना है। एंड इट इज अ एवर गोइंग प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजिंग द DAVP, कमिंग अप विद न्यू टेक्निक्स एंड आइडियाज़,
of how the government policies can reach people. And therefore, DAVP, and I'm proud to say that DAVP is now working on getting more online. Therefore, there's minimum interaction with people and therefore maximum transparency. And also trying to send out advertisements digitally so that not only do we save on the expenses, but use that bit of money for reaching as many more people as we can. There is also a focus in DAVP now to send out advertisements to target audiences. तो आप अक्सर पाएंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो योजनाएं ताल्लुक रखती हैं वो ज़्यादातर DAVP रीजनल न्यूज़पेपर्स में देने की कोशिश करता है हालांकि कई बार आप ये भी देखेंगे और मैं ऑनलाइन देखता हूं कि कई बार सवाल उठते हैं कि ग्रामीण योजना अंग्रेजी अखबार में क्या कर रही है देयर इज़ ऑल्सो अ नेसेसिटी टू रीच आउट टू इंटेलेक्चुअल्स टू पीपल who write about government policies for them to know that there is such policies for the rural areas and rural population as well. So my congratulations to DAVP for coming up with a very contemporary calendar. The presentation on the calendar is very modern, and their ability to cover as much information with the least clutter on a given amount of paper space. Thank you so much and wish you all the best.